क्या आपको पता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज से 4600 साल पहले बना था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ बना था? अगर आपका जवाब है इजिप्ट में बना था, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो जवाब है, अगर आप केबीसी में देते तो फिर आप 5 करोड़ तो नहीं, 1 रुपए भी नहीं जीते। तो फिर मैं आपको बता दूं कि वो जो है इजिप्ट में तो बना था, लेकिन इजिप्ट वहाँ पे नहीं था, वो कहीं और से लाया गया था। इसका मतलब जो है उसे किसी ने उठा के लाया था। कहाँ से लाया था? अब ये मत सोचो कि मैं जो है ये बताऊंगा कि उसके अंदर जो है स्पेसशिप है। तो फिर देखो, बात ये है कि जो हमारा अर्थ है ना, ये स्टेबल नहीं है। ये जब से बना हुआ है तब से ये यूनिवर्स में भटकते जा रहा है, और फिर आज से करीब 4600 साल पहले ये जो है अभी यहाँ पे जो है ना, जो मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, ये यहाँ पे नहीं था। ये जो धरती है ना, ये बहुत दूर कहीं और यूनिवर्स में थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि वो जो है कितना दूर था। और फिर जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है इजिप्ट का जो अभी का पिरामिड, जिसको आप घूमने जा सकते हो, लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, जिसको आप ऐसा टूरिस्ट बन के देखने जा सकते हो, वो यहाँ पे नहीं बना था। आज से वो 4600 साल पहले वो बहुत दूर था, और कितना दूर है ये अभी पता चल जाएगा। ये हैं आप और ये है हमारी प्यारी धरती। ना चाहते हुए भी आप जो है धरती की चक्कर लगाते हैं, और हमारी धरती भी सूरज का चक्कर लगाता है, और सूरज भी मिल्की वे का चक्कर लगाता है। लेकिन पूरे मिल्की वे को एनिमेट करना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए बस आप सोच लो। लकीली हमारे पैदा होने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके ये जान लिया था कि सोलर सिस्टम के मिल्की वे के अराउंड मूव करने का स्पीड कितना है, और हम आज उसी स्पीड की मदद से जो है ये कैलकुलेट करेंगे कि आज से 4600 साल पहले का जो जगह में जो बना था ना। अरे मेरे पास शब्द नहीं है, खैर छोड़ो, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आज से 600 साल पहले अर्थ जो है कहाँ पे था, और हम तब से कितने दूर तक आ गए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि पिरामिड कहाँ बना था। तो फिर इसके लिए मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, एक दिन में जो है ना होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे एक साल में जो है ना, आपको पता नहीं होगा लेकिन जो है एक साल में जो है ना 0.25 दिन होते हैं। तो फिर आपको जो है मेरे साल में जो है एक साल में कितने सारे घंटे हैं उसको मैं पहले फाइंड करने के लिए 365 कोई बात नहीं, इसको आप बस समझ जाना और जो है 24 कर देना है। और जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है चीज़ है, इसके लिए जो है ना मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो फिर एक साल में जो है ना इतने सारे घंटे होते हैं, अब ये तो हमें पता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि 4600 साल में जो है कितने सारे घंटे हैं। और अब जो है ये देखने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 4600 सालों में से, एंड इसको मल्टीप्लाई करना आसान है लेकिन मैं करूँगा नहीं, इसलिए जो है ना मैं जब तक जो है अब मैं सोच रहा हूँ, आप जो है चैनल को लाइक कर दो और फिर सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर आंसर है 4,32,360। तो फिर 4600 साल में जो है ना इतने सारे घंटे होते हैं, और मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप पढ़ पाऊँ। ये जो है आप कोई मुझे पढ़ के बता देना कमेंट सेक्शन में इस नंबर का नाम क्या है, और फिर जो है मुझे उसको जो है ना अब जो है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो है ना मुझे जो है डिस्टेंस क्या करना था, मुझे टाइम इंटू क्या, अरे छोड़ो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ये, और जो है ना इसका जो हमारा अर्थ का नहीं सन का जो स्पीड है ना उसको डाल देना है। तो फिर सन का स्पीड है क्या था भाई, 828। दर्शक कृपया ध्यान दें, ये 828 जो है सन के मिल्की वे के अराउंड घूमने का स्पीड है। ऐसा कुछ था किलोमीटर पर आर का ये स्पीड है। ये जो स्पीड है ना ये मैंने फाइंड नहीं किया, इसको जो है मैंने जो है ना बिंग से उठा लिया, इसको पहले से ही किसी ने फाइंड करके रखा था,
और इसको मल्टीप्लाई करना है इतने सारे घंटों में से। अब 4032 3600 इसको जो है ना मल्टीप्लाई करने को, और ये होगा किलोमीटर पर आर। ये जो आर है ना ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर जो हमारा आएगा ना ये होगा हमारा फाइनल डिस्टेंस। और अभी जो है हमें पता चल जाएगा कि पिरामिड है वो कितने दूर बना था। तो फिर इसको जो है ना कैलकुलेट करने के लिए मुझको जो है या तो आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए या फिर कैलकुलेटर चाहिए। दिमाग तो मेरे पास आइंस्टाइन का है नहीं, इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा और जो आंसर है ना वो मैं लिख देता हूँ। और इसका आंसर है बहुत लंबा, तो फिर मैं जल्दी लिखता हूँ। तो फिर मैंने आंसर को जो है लिख दिया, और फिर ये कितने डिस्क का है मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। तो फिर जो है कोई मुझे पढ़ के बता देना ये क्या है। और फिर जो है ना ये है टोटल डिस्टेंस जो कि जो हमारे सोलर सिस्टम ने जो है ना 4600 सालों से जो है ना धीरे धीरे कवर किया है। अब जो है ना मैं ये बताऊँगा जो है ये कितना है। तो फिर इसको जो है ना ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए आपके दिमाग में आ भी नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो यूनिट है लाइट ईयर्स में कितना होगा। क्या ये एक लाइट ईयर का होगा? तो फिर मैं जो है ना इसको इसका जो है ना डिस्टेंस लाइट ईयर में पता करने के लिए एक लाइट ईयर का किलोमीटर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि बराबर होता है। और मेरा कैमरा डगमगा रहा है आज 6-1, और फिर जो है ना यहाँ पे 9 जीरोस होते हैं। तो फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3। अब जो है ना इन सबको जो है कैंसिल आउट जो है ना करके जो है ना एक रिजल्ट आएगा, उसको जो है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो है 3.53 लाइट ईयर्स का। इसका मतलब जो है ना जो पिरामिड है ना वो 3.53 लाइट ईयर्स दूर जो है कहीं और जगह पे बना था, और वो जो है रेंगते रेंगते चलते चलते यहाँ तक आया है। इसका मतलब जो है ना मैं ये बता दूँ, 3.53 लाइट ईयर का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है तीन साल में जो जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है उतना डिस्टेंस जो है पिरामिड जो है ट्रैवल करके यहाँ तक आया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर वीडियो को जो है लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।電池が切れただけじゃないか。新しい電池に交換して。ほら、ついた。わあ、オープンすごいの。大好き。そうか。